मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं सपोर्ट भी चाहता हूँ आप लोगों का, और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि पता नहीं लोग क्या रिएक्शन देंगे, कि फिर भी मैं बना रहा हूँ अपनी दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखा है, ये मेरा शौक भी है, और आप लोगों से मैं गुजारिश भी करता हूँ कि प्लीज़ मुझे सराहें। तो मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ, टमाटरों को देखकर आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसको हमारी जुबान में और सबकी जुबान में कहते हैं टमाटो केचप। ये टमाटो केचप किस तरह बनाया जाता है, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं और इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। जी नाज़रीन, तो मैं आपको बताने जा रहा था इंग्रेडिएंट्स। 5 kg टमाटो केचप में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मार्केट में, लोग हर किस्म की इसमें इस्तेमाल करते होंगे, जो मेरी अपनी रेसिपी है, जो मैं अपने घर वालों के लिए बनाता हूँ और दोस्तों के लिए, जिनको जो मेरे बहुत सारे दोस्तों हैं मुझे सराहा है और उन्होंने कहा कि इसका टेस्ट मार्केट वाले से ज़्यादा अच्छा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये देखें, ये है इसमें ये 1 tablespoon नमक, और ये है 1/2 tablespoon काला नमक, और ये है 1/2 tablespoon टाटरी, ये है फूड कलर, ये हम कलर इसलिए इसको देंगे ताकि वैसे भी ये रेड कलर का होता है तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है ना। तो ये है अदरक और लहसुन, और ये है लौंग, और ये है 2 tablespoon है ये सुरख मिर्च, ये है 1 tablespoon ब्लैक पेपर काली मिर्च, ये है 1/2 tablespoon धड़ा मिर्च, और ये है सोडियम बेंजोएट 1/2 tablespoon, ये है जैतून गम 1 tablespoon या 2 tablespoon 1.5 tablespoon, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना गाढ़ा करना चाहते हैं। अगर आपने ज़्यादा इसमें डाला तो आपका ये केचप बहुत गाढ़ा हो जाएगा। स्मूथनेस लाने के लिए जैतून गम का इस्तेमाल भी किया जाता है, और ये है CMC पाउडर जो मैं 1/2 tablespoon इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, और ये कुछ चीज़ें होती हैं वो इसलिए इसमें डाली जाती है ताकि ये जो ख़राब ना हो। अगर हम इसमें इटाटी डालेंगे तो ये कम से कम 1.5 माह तक ये ख़राब नहीं होगा। अगर हम इसके साथ ये सिरका भी है इसमें, ये 1 cup सिरका है, तो अगर हम इसमें साथ में सिरका इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका जितना हम कटी चीज़ें डालते जाएंगे, जिस तरह के हम ये डालेंगे या ये डालेंगे, तो इसके साथ इसका जो लायक है वो बढ़ जाएगा। तो इसके साथ अगर हम ये डालेंगे सोडियम बेंजोएट तो इसका जो दौरानिया है, लाइफ है, वो तकरीबन 6 महीने से भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इन टमाटरों को सबसे पहले हमने इस तरह काटना है 3-4 पीसों में। तो इसको काटने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे, कुकर में डालने के बाद फिर इसको काटने के बाद दोबारा मैं आपके साथ आता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तब तक के लिए 8 मिनट के बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं टमाटरों को काट रहा हूँ, टमाटरों को मैंने देखा कि 1 kg से ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों ने 5 kg है। इसमें जो चीनी डाली जाएगी वो है 1/2 kg। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कटापन कितना देना चाहते हैं और जो कुछ भी आपको कितना देना चाहते हैं, फिर भी आपकी मर्ज़ी चलेगी। लेकिन जो रेसिपी मैं बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसको तो बहुत सराहा है। अब आप इसको बनाकर देखें, चखें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बहुत जरूरत है। तो फिर आप लोगों का ये जो कमेंट्स करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। जी नाज़रीन, मैंने आपको बताया ना कि वो जो इधर जो सारा टमाटर था उसको मैंने काट के इसमें डाल दिया है। अब वो जो टमाटर है वो सारा इसमें पड़ा हुआ है। इसमें मैंने तकरीबन इसमें 2 cup पानी डाला है ताकि ये नीचे लग ना जाए। अब जो ही इसके अंदर मैंने वो डाला है, तो हम इसमें इसके साथ क्या डालेंगे, इसमें ये हम ये देखिए नमक डालेंगे 1 tablespoon। नाज़रीन, नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ये देखिए दालचीनी। दालचीनी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक, जो ये तकरीबन 8 ये लहसुन के वो टुकड़े हैं, और ये तकरीबन 8-9 पीस जो है तकरीबन ये अदरक के टुकड़े हैं। वैसे नाज़रीन मैं पठान हूँ, शायद आप लोगों को कुछ अजीब सा लगता हुआ कि किस बोली में बात कर रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे वो मैं मज़े चाहता हूँ क्योंकि मेरी बोली में उस तरह का वो होगा, लेकिन फिर भी चलो हूँ तो पाकिस्तानी ना। ये है लौंग, तकरीबन ये है 10-15 दाने लौंग के,
तो हमने इसमें सारा टमाटर डाल दिया और इसको वो जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो अदरक लहसुन वो नमक तो ये चीजें सब डालने के बाद हम इसके ऊपर इसका ढकना बंद करेंगे। तो ये अभी इसके नीचे जो ये फ्लेम लगा हुआ ये कब तक हाई आंच पे रहेगी जब तक इसकी सीटी ना बने। जो ही इसकी सीटी बच जाएगी इसका जो फ्लेम है इसको फिर हम पे डाउन करेंगे और ये तकरीबन 8 मिनट या 10 मिनट तक ये प्रेशर कुकर में ये जो मटेरियल है ये पड़ा रहेगा। तो हम मिलते हैं 8 मिनट या 10 मिनट के बाद। तो 8-10 मिनट गुजर गए हैं तो अभी हम देखते हैं कि आइए ये कैसे बनता है। तो इसको ढकना खोलने के बाद ये कुछ इस शेप में आया है सारा, इसने पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसका क्या करना है, ये सारा गल गया है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो अभी हमने इसके अंदर इस पानी को सुखाना है और पानी को सुखाने से पहले हमने पहले इसको ठंडा करना है फिर इसको इसमें मारना है। क्योंकि ये टमाटर जो मैंने लिया हुआ था ये टमाटर जो पानी वाला टमाटर था और इसमें हमने ये इसलिए लिया था क्योंकि अगर हम वो दूसरा टमाटर लेते तो उसमें पानी कम और इसका ये जो गोश्त होता है ना ये ज़्यादा होता है। तो हमने इसलिए इसको पसंद किया क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और टमाटर में पानी बहुत ज़्यादा होगा तो उस टमाटर का जो केचप होगा वो बहुत मज़े का होगा। तो नाज़रीन इसको ठंडा करने के लिए हम छोड़ देते हैं। इसको ठंडा करने के बाद फिर हम इसको इस जूसर के ज़रिए इसको ग्राइंड करने के बाद दोबारा हम आएंगे आपके पास फिर इसको हम पकाएंगे। अभी इसको हमने सिर्फ गला दिया है तो इसके बाद हमने इसको पकाना है। तो इसमें अभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ लोगों को ये जो इसका छिलका है ये पसंद नहीं होता तो अभी से आप इसको उतार भी सकते हैं लेकिन हम नहीं उतारेंगे, हमने इसको जूसर के जरिए इसको ग्रेन करना है। तो इसलिए कुछ लोग इसका छिलके को पसंद नहीं करते वो उतार देते हैं और कुछ लोग जो है वो इसको इसके साथ ग्रेन कर लेते हैं। तो चलिए नाज़रीन हम मिलते हैं, अभी हमने इसको खाली गला दिया। मैंने अभी क्या किया है वो जो मैंने आपको बताया था वो मवाद उसको ठंडा करके अब इसको मैं ये छानने के साथ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जो जरूरत है वो मुझे पानी चाहिए फिर इसी पानी को मैंने पकाना होगा। अब इससे ये चीज़ निकाला है क्योंकि इसमें वो जो है ना ये जो इसके वो छिलका है और कुछ जो मसाला जात मैंने डाले थे वो अब इसके छानने की वजह से मैंने उसको निकालने हैं। आपने इसको भी ज़ाया नहीं करना क्योंकि अगर आप सालन बनाएंगे या कुछ सालन वगैरह इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारा जायका होता है। ये इसके छिलके हैं और ये बीज है, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना क्योंकि ये भी काबिल इस्तेमाल है। इससे वो सारा वो जो है ना वो बीज ही सारा ये निकाल के अब ये देखें इसको हम पका रहे हैं। इसको तकरीबन अभी 10 मिनट हो गए तो इसको अभी तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब ये जो मवाद रह गया है ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा मतलब है कि काले मिर्च ज़्यादा डालने हैं या ये धड़ा मिर्च या सुरख मिर्च ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको थोड़ा कम डालना चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये 5 किलो तक इसमें आपने डालना है तकरीबन 500 ग्राम चीनी। तो ये तकरीबन हमने इसमें डाल लिया है 500 ग्राम चीनी हमने इसमें डाल लिया है क्योंकि ये 5 kg था इससे हमने इतना वो निकाला है ना तो ये खालिश बिल्कुल पानी है। अगर हम इसमें चीनी ज़्यादा डालेंगे तो इसका फिर ये मीठा ज़्यादा हो जाएगा, ये मीठा बाद में भी डाल सकते हैं। अब ये है काले मिर्च, ये तकरीबन हमने 1/2 टीस्पून ये है गरम मिर्च 1/2 टीस्पून इसका जायका भी अच्छा है। ये है सुरख मिर्च
जी नाजरीन, तो इस तरह आपने देखा होगा कि कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बाजार से अच्छा और बाजार से खूबसूरत चीज इंशाल्लाह और बाजार से बहुत मज़ेदार, जो सेहत के लिए अच्छा भी होगा और मज़ेदार भी होगा। वैसे भी आपको पता है कि किचन बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से पसंद करते हैं, बाजार में तो हज़ारों किस्म के प्रोडक्ट्स मिलते हैं लेकिन कोई मीठा होता है कोई खट्टा होता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जिस टाइप का चाहिए आप उस तरह बना लीजिए, लेकिन इसका जायका बाजार वाले से काफ़ी अच्छा होता है, सेहत बख्श भी है, फायदेमंद भी है और उससे सस्ता भी है। नजरें ये अब पक गया है, अभी हमने क्या करना है सिर्फ इसकी थिकनेस को चेक करने के लिए, ये देखें अभी ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होगा, अभी हमने इसमें डाला है काली मिर्च और टाटरी, अभी हम इसमें डालेंगे सिरका, सिरका आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना डालना है, लेकिन इसमें मैंने डालना है 1 कप। तो अभी हमने इसमें डालना है कलरफुल, वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप डालना ना चाहें तो आप ना डालें, लेकिन अगर आप फिर भी डालना चाहते हैं तो जिस तरह वो कलर होता है तो उस तरह, तो आप उस तरह डाल भी सकते हैं। क्योंकि ये देखिए अभी हमने इसमें डाल लिया थोड़ा सा फूड कलर, इसमें थोड़ा सा अभी हमने इसमें डाल लिया है, तो बस अब ये पकने के बिल्कुल करीब है क्योंकि पक चुका है, बस अभी इसकी थिकनेस को बनाएगा। तो आपने देखा कि ये हमारा केचप तैयार हो गया है, बिल्कुल जबरदस्त, ये देखिए इतना गाढ़ा है और इतना चिपकी है, अभी बहुत गर्म है, ये जब ठंडा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, देखें ये अभी इतना गाढ़ा है, बिल्कुल इतना जबरदस्त, इतना मजेदार और इतना स्मूथ, बिल्कुल बाजार जैसा, और ये 100% प्योर खालिस, और ये देखें ये वीडियो दे लें, ये देखें ये अभी इतना गाढ़ा हो गया है कि बस अगर इसको हम ठंडा करेंगे तो ये इससे भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अभी हम इसको डालेंगे इसमें तो इंशाल्लाह आपको इसके गाढ़ापन का पता चल जाएगा, फिर जब ठंडा होगा तो फिर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे और आपको चेक कराएंगे कि ये देखें कि ये कितना गाढ़ा है। अब ये देखें ये हमारा केचप तैयार हो गया है, अब ये इतना स्मूथ और इतना गाढ़ा है, ये देखें ये जो इसके साथ ये लगा हुआ है ये अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ये आपको नजर, ये देखें कितना स्मूथ है, ये देखिए जब ठंडा होगा तो इसे बहुत ही मजेदार है। खालिस घर का बनाया हुआ तैयार केचप बहुत ही मज़े का है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़ेदार है, ये मैं कहूँ कि अपने घर में ट्राई करें, अपने गाँव में याद रखें, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने अल्लाह ने कहा सांस ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में एक अगले एक नई रेसिपी से, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।